पूरे NCR को हिलाकर रख देने वाले ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस अब तक सिर्फ इंसाफ का भरोसा ही दिला रही है, लेकिन हत्यारे अब तक उसकी गिरफ्त से दूर हैं। दिल्ली से बिल्कुल सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लाखों लोग रहते हैं, जो गौरव की हत्या के बाद से खौफ में है। रात का अंधेरा अब इन्हें डराने लगा है। ऑफिस से लौटते वक्त अनहोनी की आशंका सबके जेहन में घर करती जा रही है। इस पूरे इलाके में सैकड़ों नई बनी सोसाइटीज हैं। यहाँ ज्यादातर दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स रहते हैं। यहाँ रहने वाले गौरव की हत्या की 6 जनवरी को हुई वारदात ने सबको भयभीत कर दिया है। गौरव चंदेल का परिवार गहरे सदमे में है। वो बार बार जल्द इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैंने IG साहब से बताया, उन्होंने बोला कि हमसे गलती हुई है, उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया है और हम उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेरी आगे की जीवन की सुरक्षा और मेरे बच्चे की पढ़ाई और मेरा जो भी है उसको कौन देखेगा। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि पहली बात तो उन पुलिस वालों को सख्त से सख्त सजा और हत्यारों को एनकाउंटर होना चाहिए और मेरे सरकारी नौकरी का मुझे अपने बच्चे के पालने के लिए सरकार की तरफ से मुझे ये हिम्मत दिलानी होगी। उधर पुलिस का दावा है कि अब गुनहगारों तक पहुंचने में देर नहीं, उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का भरोसा दिलाया। जो एक इनसिक्योरिटी की सेंस है उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है और इस चैलेंजिंग घटना के लिए, जो बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे हुई है, उसको वर्कआउट करने के लिए हमने अपनी स्पेशलाइज टीम्स को लगाया हुआ है। वो रात दिन उस पर काम कर रही हैं और इसमें हमने STF का भी सहयोग लिया है, STF को भी इन्वॉल्व किया है और हम लोग कुछ सस्पिशियस कैरेक्टर्स तक पहुँच गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी इस केस को हम लोग क्रैक करेंगे। गौरव चंदेल गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। सोमवार की रात वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गॉड सिटी में 5th Avenue के अपने घर लौट रहे थे, तभी परथला गोल चक्कर के पास से वो गायब हो गए। बाद में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनका शव सर्विस रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला। हत्यारों ने गौरव की नई कार, 2 मोबाइल, कैश और लैपटॉप लूट लिए थे और इसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शर्मनाक रही। गौरव के फोन नहीं उठाने के फौरन बाद घर वालों ने पुलिस को खबर दी थी। गौरव के दोस्तों ने भी पुलिस को इन्फॉर्म करने में जरा भी देर नहीं की, लेकिन पुलिस सोई रही। स्थानीय पुलिस को लेकर इसी वजह से लोगों में बेहद गुस्सा है। आम लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पुलिस की नाकामी से लोगों में बढ़ते गुस्से की आंच लखनऊ तक पहुंच चुकी है। DGP ने कहा है कि वे खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाई की जा रही है, हमने स्वयं बात किया है वहां के लोकल ऑफिसर्स से और हम लोग चिंतित हैं कि उस केस को हम वर्कआउट करेंगे और हम वर्कआउट करेंगे और जितने भी जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको दे विल बी टेकन टू टास्क। सोमवार रात को गौरव चंदेल की हत्या हुई थी, तब से अब तक डॉग स्क्वाड से लेकर FSL की टीम वारदात के मौके की जांच कर चुकी है। तफ्तीश हो रही है लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। उसकी तरफ से आश्वासनों की झड़ी लगाई जा रही है लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय लोग अब पूरी वारदात की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।